गाइस, कैसी हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं। सो गुड मॉर्निंग गाइस, एंड आज है बड़ी दिवाली और आपका स्वागत है एक नए ब्लॉग में। एंड आज बहुत लेट हो गया, मतलब हम लोग आराम से सोए रहे, 9:30 बज गए और अभी तक कोई ना ब्रेकफास्ट कुछ भी नहीं बना है और सब लगे हुए हैं अपने कामों में। कोई मम्मी कोई सफाई कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, गेट से जा रहे हैं यहाँ पे। हाँ, हो गया। अरे वाह, अच्छा से जाया, नाइस, चलो बढ़िया। नहीं, और प्रीशा का सिर्फ हल्ला मचाने का काम है। हटियो प्रीशा, ब्रेकफास्ट बनाती हूँ उसके बाद। पास्ता बना रहे, वो माइक्रोवेव। अभी मैं ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करती हूँ, उसके बाद आप सबसे मिलती हूँ। बहुत लेट हो गया गाइस। फाइनली ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया सबका। क्या करोगे बेटे डंडे का? डंडे का क्या करोगे? पढ़ाओगी? सो बस अभी ये सारा डेकोरेशन इन्होंने करा है, हल्का सा गेट का इन्होंने गेट का करा है, अच्छा लग रहा है। खुशी छोड़ना उसको बच्चा, नाइस। मॉर्निंग में रंगोली का ट्राई करेंगे, वैसे मुझे आते नहीं है बनानी, बट फिर भी थोड़ा सा हैं। बस अर्चू को मिस कर रहे हैं हम, बट अर्चू किसी वजह से आ नहीं सकती क्योंकि उसके इन लॉज, उसकी सास वगैरह किसी की तबीयत ठीक नहीं है, तो इस वजह से वो नहीं आ सकती है। बट अंकित जा रहा है उसके घर पे दिवाली का शगुन लेके। और बस अभी दे दो फटाफट से। ये हमारे घर का न्यू मेंबर, हमारा कुतरू बच्चा, ये शोर है, ये तो शोर। खुशी को देखना, खुशी को आशीर्वाद। हेलो गाइस, जस्ट अभी फ्री हो रही हूँ, चाची औरों के घर गई थी, मतलब मेरी चाची और यहीं पास पे रहते हैं, उनके घर पे गई थी और भाई और भी चले गए आज। अभी प्रीशा को रेडी किया है, अब खुद रेडी होती हूँ। इवनिंग टाइम, मतलब टाइम इतना जल्दी जल्दी चला गया, पता ही नहीं चला 5 बज गई और अभी तक मैं रेडी भी नहीं, मेरी हालत देखो। बट अभी रेडी होती हूँ, तो चलिए फटाफट अभी मेरे साथ प्रीशा को दिखाते हैं। मैंने प्रीशा को रेडी किया, प्रीशा रेडी हुई, हाय कर दो प्रीशु। गजरा दिखाओ अपने, गजरा तो दिखाओ इधर। ये प्रीशा का हेयर बन बना है जूड़ा। नमस्ते, कैसे हो आप? ब्लशर मैंने हल्का सा थोड़ा सा डार्क रखा है इस बार, एंड अब अप्लाई करती हूँ ब्लशर एंड प्रॉपरली रेडी होके आपके सामने आती हूँ, ठीक है? तो फाइनली रेडी हो चुकी हूँ एंड दिस इज माय फाइनल लुक। ये सिल्क साड़ी, एक सेकंड रुकूंगा उसको बता दूँ। दिस इज माय फाइनल लुक। आज मैंने अपने करवा चौथ का अरमान पूरा किया है। फाइनली रेडी हो चुकी हूँ एंड अब रंगोली बनानी है, बहुत सारे काम है क्योंकि इतना लेट हो चुका है। तो मैं तो हो गई रेडी और मेरे साथ, ओ पीछे मुड़िए, अरे पीछे तो मुड़ो, ओ माय गॉड। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू गाइस। तुम भी बोलो, मैंने सुबह से नहीं बोला। आप सभी को दिवाली की, आप सभी को दीपावली की बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं। प्रीशा आप भी बोल दो, हैप्पी दीपावली बोल दो। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। आज भी मैं फूल की रंगोली बना रही हूँ क्योंकि प्रीशा रखने नहीं वाली, कलर वाली, वो होली खेल रही है। तो आज भी हम फूल की, हाँ यार उन पे मैंने कलर कर रखा था। मम्मी कुछ तुम्हें लगे वो तैयारी का भी थोड़ा, मैंने सुबह दिखी थी पर अभी नहीं।
रंगोली बनाई है क्योंकि कलर वाली प्रीशा खराब कर देती है, तो छोटा सा ट्राई किया है बट अच्छा लग रहा है, नॉट बैड। अभी हम मेरा तो रंगोली वंगोली का हो गया है, मम्मी थोड़ा किचन में प्रिपरेशन कर रही है और पापा पूजा कर रहे हैं। पापा बहुत टाइम लगाएंगे अभी पूजा करने में। शिव शंकर पार्वती गणेश कार्टून में बोर हो चुकी, खेल खेल के प्रीशा कार्टून पे लगे। प्रीशा पटाखे जलाओगे? अंकु इज कमिंग, अंकु आ गया है अर्चू का देख के सामान, अपने मित्रों से मिलके भी आ गया सभी को। फाइनली पूजा का मुहूर्त हो गया है, 7 से 8 के बीच में था तो अब हम पूजा करेंगे। फाइनली पूजा वगैरह हो गई कंप्लीट और फिर से अगेन पकौड़े बन रहे हैं जो कि हमारे पहाड़ी ट्रेडिशन, और अभी थोड़ा ज्यादा बनाने पड़ेंगे जस्ट बिकॉज की हमारे भी क्या होता है कि किसी किसी क्लोज एक्सपायर हुआ रहता है तो वो लोग एक साथ तक कोई त्यौहार नहीं करते देना पड़ता है, मतलब ये गांव के रीत है कि मेरे पापा और यहाँ पे भी फॉलो करते हैं, बस अच्छी बात है। सो ऐसे में बनेंगे, ऐसे आप ज़रूर ट्राई करना है, काली दाल के जो धुली हुई दाल होती है उसके बनते हैं, बहुत टेस्टी गाइस, बहुत यम्मी स्नैक्स। अंकि कैसे लगते तुझे, अच्छे हैं ना? बढ़िया। हाँ बच्चे दो, मैं करूँगी हेल्प करूँगी, कम दो दो बच्चे ये वाला, अच्छा मैं जलाऊंगी, दो इधर हेल्प करूँगी इधर। जल गया, दूर से करो ऐसे घुमाओ, दिखाओ बच्चा। खत्म हुआ और अमित बना रहे हैं, क्या बन रहा है, पनीर, कौन सा पनीर, शाही पनीर, मटर पनीर, वाओ कलर तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो बहुत हेल्पिंग हस्बैंड है यार, इनके जैसा हेल्पिंग पति तो कोई हो ही नहीं सकता है। थैंक यू सो मच, कोई भी ओकेशन हो कुछ भी हो सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं ये, थैंक यू। प्रीशु को ना वो खिलाती हूँ क्योंकि वो बहुत बोर हो रही है, वो पटाखों को देख के डर रही है बहुत ज्यादा। प्रीशा यार आपने तो सारे बंद करा दिए, कर दिए, तो मैं जलाऊं, मैं हेल्प करूं। वाले लोग पटाखे वगैरह बहुत ज्यादा जला रहे हैं, मतलब बहुत पॉल्यूशन होने वाला है दिल्ली में बहुत ज्यादा, तो कल से मास्क पहन के ही निकले क्योंकि बहुत पॉल्यूशन होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी बाहर इतना धुआं 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 हो रहा है ना बहुत ज्यादा। प्रीशा और दादी नन्नू को देखना, डरपोक हो रहा प्रीशा आप। दादी को मत जलाना बच्चा। बस अभी खाना पीना चल रहा है, पापा वालों का रात का डिनर, उसके बाद सोते हैं यार, बहुत थक गए। तो आज का ब्लॉग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, गुड नाइट।